मैं शादीशुदा हूँ, किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया है, पति को भी बोल दिया मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं किसी और के साथ रहती हूँ, तो क्या कोर्ट मुझे प्रोटेक्शन देगी? या फिर यूं कहें कि पति पत्नी से बोलता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं किसी और के साथ रहता हूँ, और अब वो कोर्ट से जाके ये बोले कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, लेकिन सर पत्नी की जो फैमिली है वो मुझे थ्रेट कर रही है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये प्रोटेक्शन का इशू कोर्ट के सामने अभी बहुत देखा गया है। क्या आप लोगों को पता है कि प्रोटेक्शन की गाइडलाइन किन लोगों के लिए जारी की थी कोर्ट ने? कोर्ट ने प्रोटेक्शन उन लोगों को देने के लिए कहा था जो दो अनमैरिड लोग हैं और शादी करना चाहते हैं, परिवार से या रिलेटिव से उनको थ्रेट मिल रहा है। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं हूँ आपके साथ एडवोकेट अनीता वर्मा। कोर्ट के सामने एक इशू था, एक मैरिड वुमेन कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लेके जाती है कि सर मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि जो मेरा पति है और पति की फैमिली है वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे, क्योंकि मैंने किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने उनको कहा कि इस तरह के रिलेशनशिप का भारत में कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम मैरिड वुमेन और मैरिड मैन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। आप ये एक क्राइम कर रही हैं, एडल्ट्री का क्राइम कर रही हैं। इनफैक्ट आपके पति को आपके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, आपके अगेंस्ट भी और जिनके साथ आप रह रही हैं उनके अगेंस्ट भी। फिर कोर्ट के सामने एक दूसरा इशू आया, एक 20 साल के लड़के ने प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन लगाई कि सर मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ, वो 16 साल की है, मैंने उससे शादी कर ली है, लेकिन अब इसका परिवार हमें धमकी दे रहा है, तो प्लीज हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई लड़की तो माइनर है, आपको हम प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? आपने एक क्राइम किया है, लड़की को किडनैप किया है, अगर लड़की अपने घर से आ भी गई है तो भी इसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि ये 18 साल से कम है। पुलिस को डायरेक्शन इशू की कि लड़की की फैमिली को बुलाया जाए और लड़की की कस्टडी उसके माँ बाप को दी जाए और इस लड़के के खिलाफ एक्शन लिया जाए। प्रोटेक्शन आपका राइट है अगर आपको किसी से थ्रेट है, लेकिन आप अगर इसका मिसयूज करेंगे तो फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। प्रोटेक्शन के केस में जो बहुत सारे हमारी सोसाइटी में देखे गए हैं कि अगर अपनी मर्जी से कोई शादी करना चाहता है तो उनको धमकी मिल जाती है कि हम आपको मार देंगे, या फिर किसी की फैमिली को थ्रेट हो किसी से, या फिर कोई बंदा इतना डरा हुआ हो कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऑफिस नहीं जा पा रहा है, तो इन सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की थी कि अगर आपको कहीं पे भी फील होता है कि आपकी लिबर्टी को खतरा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ऐसे में आप सुपरिटेंडेंट पुलिस के यहाँ पे यानी कि डीसीपी के यहाँ पे जाके डायरेक्ट प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पुलिस को भी ये गाइडलाइन थी कि जैसे ही आपके पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती है, कोई रिक्वेस्ट आती है, आप इमीडिएट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी देखा गया इस चीज का बहुत मिसयूज हो रहा है। तो प्लीज प्रोटेक्शन आपका राइट है, लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। प्रोटेक्शन उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ को सच्चे में खतरा है और वो क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्दी मिलूंगी कुछ नई लीगल जानकारी के साथ। तब तक आप भी लोगों की हेल्प करें, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।